हेलो दोस्तों, राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, होंडा ने अपने बाइक और स्कूटर को रिकॉल किया है, कंपनी वापस मंगवा रही है इन बाइकों को। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंपनी कौन कौन से बाइक या कौन कौन से स्कूटर को वापस मंगवा रही है और इसमें क्या खराबी पाई गई है, और साथ ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसमें कितने यूनिट को वापस मंगवाया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि इस रिकॉल में आपके टू व्हीलर शामिल है या नहीं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड HMSI ने अपने लोकप्रिय स्कूटर और मोटरसाइकिल के कुछ मॉडल की कुछ यूनिट को वापस मंगवाया है। कंपनी द्वारा रिकॉल किए गए मॉडल में एक्टिवा 4G, एक्टिवा 5G, एक्टिवा 125 BS6, होंडा एक्स ब्लेड, होंडा हाइनेस, CB350, CB Sign, CB300R और हॉर्नेट 2.0 शामिल है। रिकॉल किए गए इन सभी टू व्हीलर को नवंबर 2019 से जनवरी 2021 के बीच बनाया गया था। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या खराबी पाई गई है इन बाइकों या स्कूटर में। होंडा का कहना है कि इन वाहनों में लगे रिफ्लेक्टर आवश्यक फोटोमेट्रिक प्रावधानों से थोड़े अलग लग गए हैं, जिसकी वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन की इफिशियंसी प्रभावित हुई है। हालांकि वाहन की विजिबिलिटी पर मामूली असर पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि इससे वाहन का परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि इस रिकॉल में आपकी बाइक या स्कूटर शामिल है या नहीं। तो आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहां पर मैंने ऑफिशियल लिंक दे दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पर बने रहिए। लास्ट में मैं अपने मोबाइल में खुद से आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि आप इस रिकॉल में अपने बाइक को कैसे चेक कर सकते हैं कि इस रिकॉल में आपकी बाइक शामिल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। खुद से चेक करने के लिए आप www.honda2wheelersindia.com/service/campaign-section में अपना यूनिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN सबमिट करके जांच कर सकते हैं कि इसमें आपका रिकॉल का हिस्सा है या नहीं। VIN गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर के साथ साथ RC कॉपी पर भी दर्ज किया रहता है। अब अगर वहीं बात करें कि कंपनी कितने यूनिट को वापस मंगवा रही है, तो कंपनी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि कितने यूनिट प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल्स है, इसलिए इस रिकॉल अभियान के दायरे में करीबन 1,00,000 टू व्हीलर आने की आशंका है। इसके अलावा कंपनी ने सभी डीलर वर्कशॉप से इन प्रभावित स्पेयर पार्ट्स को वापस मंगा लिया है और उन्हें ताजा स्टॉक भेजा जा रहा है। डीलर प्रभावित ग्राहकों को कॉल करें, उन्हें वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहेंगे। कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके वर्कशॉप में COVID-19 संबंधित दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इससे संबंधित सभी मरम्मत निःशुल्क की जाएगी। हालांकि कंपनी ने अपने कुछ VS6 वाहनों को वापस बुला रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंडा एक्टिवा 6G, होंडा एक्टिवा 125 और होंडा हाइनेस CB350 है। हालांकि ये वाहन ग्राहकों को किसी खतरनाक स्थिति में या जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकती है। कंपनी को इन वाहन मालिकों द्वारा शिकायत भी नहीं मिली है। कंपनी अपनी पहल पर इन वाहनों को वापस मांगा रही है। बता दें कि HMSI अब तक रिकॉर्ड संख्या में BS6 वाहनों की बिक्री करने में कामयाब रही है। कंपनी की बिक्री में हर दिन इजाफा हो रहा है। वहीं अगर रिकॉल की बात करें तो 2021 में सबसे पहले सुजुकी ने जिक्सर के मॉडल को रिकॉल किया था। उसके बाद रॉयल इनफील्ड ने भी अपने काफी सारे बाइक के मॉडल को रिकॉल किया था। उसके बाद अब होंडा भी रिकॉल कर रही है। इसका अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले दे दिया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी राइड विद बाइक रजत। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड के रिकॉल के बारे में, तो ऊपर में आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि इस रिकॉल में आपकी व्हीकल शामिल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं नेट ऑन कर लेता हूं, उसके बाद मैं क्रोम ब्राउजर में जाता हूं, यहां पे मैं होंडा ऑफिशियल वेबसाइट लिख के सर्च करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि होंडा का आ रहा है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट हुआ। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इसके वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए ये पॉपअप आया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन लिखा हुआ है, कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। नेट स्लो है, इसके वजह से मेरा यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेट स्पीड रहेगा तो आपका जल्दी जल्दी ये खुलेगा। तो यहाँ पे सर्विस, उसके बाद कैंपेन में आने के बाद आप नीचे आएंगे। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होंडा ने अपने वेबसाइट पे भी ये अपडेट किया हुआ है कि कौन कौन से मॉडल इसमें शामिल हैं और कितने वाले भी मॉडल शामिल हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि फ्री ऑफ चार्ज में आपका ये रिपेयर किया जाएगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने से पहले यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये कंपनी ने ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप एक क्लिक से इस पेज पर आ जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं CB Sign, एक्स ब्लेड, हॉर्नेट 2.1 और यहाँ पे स्कूटर का भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अब आपके पास जो भी मॉडल है आप खुद से चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट मॉडल में करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपका कौन सा मॉडल का बाइक या स्कूटर है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है।
तो यहाँ पे जैसे हम सीबी साइन करते हैं, सीबी साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं VIN फ्रेम नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 17 डिजिट वाला वो नंबर यहाँ पे लिख के सबमिट करेंगे तो ये आपका आगे का प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो है TVS का है बाइक है, और यहाँ पे जो VIN नंबर होता है वो आपका होंडा का ही देना है, तभी यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।